हेलो सर, खमा गनी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैरा जोधा। तो कैसे हो आप सब? अच्छी होंगे? ठीक है, मैं अच्छी हूँ। मैं अंदर इसलिए नहीं जा रही हूँ, मम्मी जी मेरे को डांट रहे हैं क्योंकि अभी जस्ट मैंने कॉफी बनाई थी तो कॉफी निकाल ली थी कप में और गैस ऑफ करना भूल गई और भगोला भगोले के अंदर ही पड़ा था। चाय चलने वाली तो चल नहीं और भगोले की दोनों की बैंड बज गई है। ना आज लाया कोई। सुबह सुबह ढूंढ रही थी कि मेरे को कुछ टॉपिक चाहिए व्लॉग बनाने के लिए, कुछ ना कुछ टॉपिक चाहिए। बिना चाहे मुझे टॉपिक मिला है। ऐसा टॉपिक मिला है कि घर वाले बैंड हो जाएंगे आज। ये पूरी उसके चिपक के कराई हुई है। इसकी भी शक्ल दिखा देती हूँ मैं। तपेली बोलते हो क्या बोलते हैं आप लोग इसको? मैं हमारे तो मारवाड़ी से इसको भगोला भगोरा बोलते हैं। तो ये आज की कॉफी मुझे बड़ा दुख दे गई। डांट पड़ेगी बहुत ज्यादा। मैं कौन बाढ़ आप ही बढ़ गए तो आप ही बड़े हो तो मैं थोड़ी ना बाढ़ मैं सोनी जी आया था उन्होंने कॉफी पकड़ाने गई थी मैं। क्या करूँ हाय मेरा भगोला जल गया। हाँ मेरा भगोला बढ़ गया। मैं हिंदी नहीं बोलती ना इंग्लिश बोलती, मैं हंग्लिश बोलती हूँ। हंग्लिश ना मारवाड़ी है, सारी भाषा मेरे ब्लॉग में आपको मिलेगी। घर वालों के ताने सुन सुन के मैं पागल हो गई हूँ, इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं करता, भूल जाती हूँ चीजें। कल दसवीं दादी लाइफ में बोल रहे थे ना, बच्चों में कुछ याद नहीं रहता। मेरे पास मेरे इतने दुख हुए हैं कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, अच्छा बुरा मैं कुछ भी याद नहीं रख पाती हूँ। बट मेरे तो कोई भी दुख नहीं हुआ फिर भी मेरे को याद नहीं रहता। अब खराब तो कर दिया बट उसको सही कैसे करूँ, उसकी भी कोई टेक्निक कमेंट करके जरूर बताओ कि भाई सही इलाज करो तो वो ब्लैक ब्लैक सारा निकल जाए जो भी जला है भगोला अंदर से। मैं भगोला भगोला कर रही, कुछ गलत शब्द तो नहीं बोल देना, भगोला ही बोलते ना, इंसल्ट तो नहीं हो जाएगी मेरी। भगोना भगोला तपेली तापेली तपली वाले रूम में था पहले पलंग, कल यहाँ से निकाला है तो मैंने आज इसकी सफाई की थी ये रूम की, तो यहाँ से हटा के दूसरे वाले रूम में उसको शिफ्ट किया है। दिखाती हूँ कौन से रूम में, जिस रूम में ऐसी लगी है उस रूम में शिफ्ट कर दिया उसको। ये हमारी ऐसी और ये यहाँ पे पलंग सेट किया उस वाले रूम का। ये मुझे एक पार्सल आया, इसमें पोशाक है जिसका मुझे शूट करवाना है, कुछ रील्स कुछ फोटोज और कुछ इसके बारे में रिव्यू देना है। तो अभी मैं निकाल के अनबॉक्सिंग इसकी कभी अनपैकिंग अनबॉक्सिंग जो भी ये कर लेती हूँ। कैसा है ये आया है वैसे? हयात ट्रस्टेड ब्रांड से, जिसका मतलब आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा, इनके मतलब खूब सारे कोलाब्रेशन में जितने भी ये बड़ी आईडीज हैं वैसा लोग इनकी पोशाक वियर करके इनके साथ कोलाब करती है और इनके मतलब इनका करती है पोशाक का। तो ये मुझे भी मिला है, देखते हैं कैसा है क्या है। ये मेरे सिल्क आई है, ये हमरा ही प्योर है, प्योर ओडनी है, प्योर की नहीं है, हमरा ही प्योर है ये। तो इस पे ये कसीदा किया हुआ है,
तो सीधा वाला ये ओढ़नी है इसकी। ये पूरा सूट है ये कुर्ती अच्छी लग रही है ब्लू नेवी ब्लू कलर एकदम डार्क अच्छा लगेगा पहनने में। ये है इसकी ये कांचली इसके भी बाजू पे काम किया हुआ है। शायद मेजरमेंट है इसका जो मैंने उनको दिया था कि मेरे को इस साइज का आएगा। ये है लहंगा अच्छा है बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मेरे छोटा रहेगा। साटन का है हमारे प्योर का ओढ़ना है ऊपर तो इसका सूट करना है तो हो जाएंगे रेडी और कर के दे देंगे अच्छे से सूट। अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं आपकी कुछ जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके साथ अपना वीडियो शूट करूं या कुछ भी तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करना और अपने डिटेल्स के साथ मुझसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करना। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगी। ये मेरा फर्स्ट सूट होगा ऐसे कि मुझे घर पे आए हैं कपड़े और उनको वियर करके अच्छा सा शूट करवाना है तो ये या तो फोन से होगा या तो फोन से करवाएंगे या फिर कैमरे से करवाएंगे। ये कपड़ा मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि इस पे कुछ दाग है साटन है पर ये साटन मतलब वो अच्छी वाली नहीं है ठीक ठीक है इसका इतना मुझे कुछ खास नहीं लगा बट अपनी जगह पे ठीक है। ये आपको आराम से 2000 के अंदर अंदर अच्छी ड्रेस मिल जाएगी शादी मतलब नॉर्मल पार्टीज वगैरह में पहनने के लिए अच्छी है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मतलब काम की वजह से कुछ दाग लगे हुए हैं उस पर बाकी कोई इशू नहीं। और ये हमारा प्योर की ओढ़नी है तो इसको एक सेकेंड में थोड़ा सा खोल के देखती हूँ धागे से इसको सेट कर रखा है इधर उधर आउच सिंगर तो मैं बन सकती हूँ बट मुझे बनना नहीं है बनाएगा भी कौन कुछ भी सपने देख लेते हैं देखने भी चाहिए जब तक सपने नहीं देखोगे तो पूरे भी नहीं होंगे बट वैसे ही देखना जो पूरे हो सके उम्मीद से और औकात से ज्यादा नहीं। इसकी पूरी बॉर्डर पे ये काम किया हुआ है कसीदागारी और ये पल्लू पे भी ये पूरा ये ऐसे आ जाएगा ऐसे नहीं आएगा सा ये कैसे आएगा ऐसे ही तो आएगा तो ये पल्लू भी अच्छा लगेगा पहनने के बाद में ये बहुत अच्छा लगेगा। हमारे भी इसकी मतलब प्योर की ओढ़नी अच्छी है ज्यादा वो ऐसी नहीं है कि भाई अच्छा नहीं लगे देखो पहनने के बाद में इसमें फेस भी अच्छा लग रहा है गेटअप के साथ अच्छा लगेगा ऐसा अच्छा नहीं लग रहा बट मैं ना कंफर्टेबल सबसे ज्यादा इन्हीं कपड़ों में होती हूँ मुझे ये थोड़े ताम झाम कम पसंद आते हैं पर शादी भी हमें तो मैं पहनती हूँ अच्छे से पहनती हूँ अच्छे से रेडी होती हूँ बट मुझे बोला जाता है कि आप इतने सिंपल कपड़ों में क्यों भाई सारे रील्स डालती हो और एक ही सूट में सारे रील्स पोस्ट कर देती हो। तो देखो घर का काम होता है ठीक है सब कुछ है वो सब करने के बाद में फिर एकदम पूरे महारानी सा बन के ये सब पूरा पहनो उसके साथ फिर ज्वेलरी भी पहनो तो इतना सब कुछ नहीं हो सकता भाई साहब मेरे से तो नहीं होता मेरे को थोड़ा नहीं जमता है
इतना हेडेक नहीं चाहिए लाइफ में, नॉर्मल है। इन फ्रूट में आप लोगों को पसंद आ रही है, लोग पसंद करते हैं, ठीक है, काफी मेरे लिए। फिर मैं ऐसे रोज डेली रूटीन में ऐसे तैयार होके बैठने लग गई, तो फिर शादी ब्याह में तैयार होंगी तो मेरे को कौन देखेगा, वहां पे भी तो होना चाहिए ना मैं रेडी होके आई वरना ऐसे रोज देख लेंगे तो ये क्या, इसका तो रोज का काम है, रोज तैयार होके बैठ जाती, काम तो कुछ है नहीं, बस वीडियो बनाने और तैयार होके बैठ जाती, वो भी अच्छा नहीं लगता। अपने घर के काम करो, टाइम मिले थोड़ा बहुत टाइम पास करने के लिए बस बना लो भाई, अब इसको समेटू कैसे, ये काम खराब है। कुछ ज्यादा डार्क नहीं है ये, बट कोई दिक्कत नहीं, शादी में अच्छी लगेगी मेरे से तो, ये ऐसी समेटी जाएगी, इसको मैं बाद में अच्छे से समेट के रखूंगी, हाल फिलहाल ऐसे ही। ये एक काम और आगे मेरे, जिसको मुझे कंप्लीट करना है आज करूंगा, आज तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, बना के दे देंगे। तो थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट, आपको आपका वीडियो और फोटो शूट मिल जाएगा टाइम के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय राम जी की, जय मां करनी, जय हिंद, जय माता दी, धन्यवाद।